मित्राय नमो मृवय नमो। हेलो, हाँ ओम प्रकाश जी, बोलिए बोलिए। अरे एकदम बढ़िया मोबाइल है। फंक्शन? अरे कोई भी फंक्शन में लेके जाइए, आपका वट पड़ेगा शादी में। अच्छा अच्छा ऐसे? अरे एकदम बढ़िया फंक्शन है, बहुत बहुत फंक्शन है, आप थक जाएंगे उसको वापरते। हाँ अरे आपसे कभी ज्यादा पैसा लिया है ओम प्रकाश जी, आप बेफिक्र रहो, आंख बंद करके मोबाइल ले लो। ओम, अरे नहीं नहीं आपको नहीं बोल रहा हूँ, वो सूरज भगवान की पूजा कर रहा हूँ ना, पानी चढ़ा रहा हूँ, इसलिए ओम प्रकाश जी आपको नहीं बोल रहा हूँ। आ जाए, ओके ओके, हाँ ठीक है, हाँ आ जाइए दुकान पर। ओम मित्राय नमो रवय नमो सूर्याय नमो भानवे नमो खग ओम बबीताय नम ओम बबीताय नम। गुड मॉर्निंग, आपके कलश में से पानी खत्म हो गया है। ए? पानी आपको कैसे पता चला? जी दिख रहा है तो थोड़ा पानी उधर दे दीजिए। पानी है? हाँ बोला कि ना बोला, कुछ समझ में नहीं आया। हेलो हेलो, क्या किधर? कैसे? बचे बचे चेस बचे हे बचे बचे टप्पू। और प्यो प्यो बोलूँ सब पिज़न है बेटा। टप्पू टप्पू टप्पू, अरे ये क्या तरीका है, कुर्सी खाली है, कुर्सी पे बैठ के खिलाओ ना। अरे अब रहने दीजिए ना, खाते वक्त किसी को टोका नहीं करते। टप्पू टप्पू, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आपने सुना, आपको पता। कीड़े कीड़े, हाँ सही तो कह रहा है टप्पू। बस अबे क्या सुबह सुबह हमारे कुलदीप को करता रहता है? क्या? अरे मींस के क्यों सुबह सुबह हमारे कुलदीप को डांटते हैं? ये कुलदीपक नहीं कुलदीमक है, पता है इसने क्या किया? नहीं। अरे हमारी पड़ोस की सोसाइटी के लड़के को उसी के घर में घुस के उसी के घर की कुर्सी उसी को मारी। पता तूने कुर्सी क्यों मारी? क्योंकि टेबल बहुत भारी था। टप्पू बेटा ऐसे किसी को मारते नहीं है। पर मम्मी पहले उसने मुझे मारा था और वो हर वक्त मेरे मजाक उड़ाता रहता है। देखो बेटा वैसे तो तुम्हारे पापा भी हर बात में मेरी मजाक उड़ाया करते हैं, मैं क्या मारती हूँ? सूर्याय नमः 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 सूर्याय नमः। ओहो आज तो सूरज और चांद दोनों का दर्शन एक साथ ही हो गए। गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय गुड मॉर्निंग जेठा जी। ओहो बबीता जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सोरी भाई, अपना चेन्नई का शेर फिट है? ठीक है। और जेठा फ्राम आ गया, गुड मॉर्निंग। ओ क्या बात है, सवेरे सवेरे हाथ में लोटा। अरे भाई पूजा कर रहा हूँ सूरत दादा की। और तरविंदर सिंह सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। अच्छा और तू अकेले अकेले यार पंजाब का मैच देखने चला गया, और मेरे को तो बताना चाहिए ना। मैं मर जाऊं। अब पंजाब तो मैच हारेगी ना, मैं जो मान ही हूँ, ऐसे थोड़ी ना होता है। और मैं जाता तो जीत जाते, कमाल करता है यार तू। थैंक यू तरमिंदर। गुड मॉर्निंग जेठालाल। गुड मॉर्निंग भाई। बबीता जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फिर भाई। अभी अय्यर साहब का पाँव कैसा है? He is better, he is improving. Very good, very good. अच्छा बबीता जी, हमारे रत्नागिरी में ना एक आयुर्वेदिक तेल मिलता है। ओके। अरे भिड़ा, ओ पिछले महीना जो मेंटेनेंस का चेक दिया ना मैंने, उसमें थोड़ा ज्यादा दे दिया भाई। अच्छा? हाँ अपना वो 1221 अमाउंट है बराबर। हाँ। तो मैंने एक की जगह पे दो लिख दिया शायद गलती से। अरे तो 1222 दिए होंगे, अभी एक रुपए के लिए क्या जेठा ला भाई? वो पीछे वाला एक नहीं, पहले वाले एक की बात कर रहा हूँ। मतलब 2221? हाँ।
ऐसा होना तो नहीं चाहिए लेकिन देखना पड़ेगा। देख 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 ठीक है देखता हूँ। गुड मॉर्निंग जेठा भाई। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अचानक सब अंग्रेज हो गए, सबका गुड मॉर्निंग बोल रहे। गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग अब्दुल भाई। ये सब कैसे हैं अभी? ठीक है थैंक यू। किसी चीज की जरूरत है तो बोल देना। ओके। कितनी बात करनी है अब्दुल। ए अब्दुल आ जाना भाई। ओ दुकान में कौन है? कोई नहीं। तो जा जा भाई, टाइम बहुत खराब है, ऐसा खुलना नहीं छोड़ना का दुकान, जा जल्दी। अच्छा जा जल्दी जा। फोन। गुड मॉर्निंग माँ। ओह कलकत्ता से मम्मी का फोन। मैंने किचन में साइकिलिंग कर चला। हाँ एक मिनट जेठा जी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके अच्छा ओके बाय। हाँ माँ बोलो। चलो आज नसीब में नहीं है चांद को ज्यादा देखने का। गुड मॉर्निंग जेठालाल। चल चल अबे गुड नाइट। ओए जेठालाल। ए जेठालाल। अरे दया जरा चाय नाश्ता रेडी करना। सॉरी क्या जेठालाल? सॉरी भाई वो अभी ये मेरे सर पे लग जाता तो लोटे में घोबा पड़ जाता। तुम्हारा सर पे घोबा पड़ जाता। घोबा? सॉरी मतलब तुम्हारा सर में लग जाता। लेकिन भाई मैंने जानबूझ के नहीं गिरा, वो क्या है बाल्टी है ना, दया ने गलती से इधर छोड़ दी, वो मैंने देखी नहीं, उसमें ठोकर लगी, उसमें ये लोटा हाथ से सटक गया। सॉरी भाई। अरे लेकिन लोटा लेके बालकनी में आते ही क्यों? सूरत दादा को जल अर्पण करने के लिए भाई। ये सूरत दादा खाली आग का गोला नहीं है, हमारे ऋषि मुनि कह के गए हैं कि धरती पर जो भी गतिविधियां होती है वो सूरत दादा के प्रभुत्व से होती है। ऋषि मुनियों के इसी विचार के साथ आजकल के साइंटिस्ट लोग भी सहमत है, वो भी मानते हैं कि सूर्य मंडल में जो भी हलचल होती है उसी की वजह से भूमंडल यानी कि धरती पर विशेष हलचल होती है। तो अभी ये जो लोटा गिरा ना, ये जो विशेष हलचल हुई ना, वो सूर्य मंडल में कुछ हलचल हुई उसकी वजह से हुआ भाई, समझा? और 2012 क्या है मालूम है? बोलो 2012 को खास सूर्य साधना वर्ष घोषित किया गया है, तो इस साल में तो जितनी हो सके उतनी ज्यादा सूरत दादा की आराधना करनी चाहिए। और तू बोलता है लोटा लेके बालकनी में क्यों आए? सॉरी। चलो भी लोटा तो दे। हाँ हाँ। अरे भाई अरे ऊपर कहाँ देने आ रहे, यहाँ से देना चलेगा? लेकिन ऐसे फेंकूंगा तो उनको चलेगा? ओ चलेगा चलेगा पिड़ो, आ छोड़ दे। तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ सोड़ी, उनको मतलब सूरज दादा को चलेगा? अभी जल अर्पण करने में लेट हो गया ना तो उनको नहीं चलेगा। हाँ सॉरी सॉरी। गुड कैच पापा। थैंक यू। और सॉरी हाँ भाई। ओम मित्राय नमः। ओम रघुनाथ। अरे ये क्या? भाने नमः। खगाय नमः। भूषणे नमः। हिरण गर्भाय नमः। मरीचय नमः। आदित्याय नमः। सवित्रे नमः। अर्काय नमः। भास्कराय नमः। आदिदेव नमस्तोभ्यं। प्रसिद्ध मम भास्कर। दिवाकर नमस्तोभ्यं। प्रभाकर नमोस्तु ते। आज आखिरी दिन है, कल से काम शुरू हो जाएगा। बालकनी बंद, बबीता जी के दर्शन भी बंद। क्या सुनहरे दिन थे, रोज सुबह कुदरत का करिश्मा देखने को मिलता था। एक तरफ सूरज देवता के दर्शन, दूसरी तरफ चांद जैसे बबीता जी के दर्शन। गुड मॉर्निंग अब्दुल।
हाय गुड मॉर्निंग ब्रो, हाय जेठा ब्रा गुड मॉर्निंग, ओ गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी इन गोकुलधाम। अरे हो हो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। ओ ब्रो, ओ की कर रहा भाई, ओ सवेरे सवेरे गोकुलधाम के कंपाउंड को क्यों नहला रहा है? अभी पूजा है ना सोसाइटी में, तो जरा साफ सफाई कर रहा हूँ। ओ ब्रो वेरी गुड, और इसलिए मुझे तुझ पे बहुत नाज है। वो जेठा बड़ा कमाल कर रहे हो यार, और तुम यहाँ बालकनी में आके खड़े हो। वो याद नहीं है ललिता जी ने क्या कहा था, बालकनी में खड़े रहना बहुत रिस्की है। हाँ हाँ हाँ, नहीं वो मैं सूरज देवता को जल अर्पण कर रहा था। लेकिन सोढ़ी, अगर बालकनी में आना रिक्शे है तो तू क्यों आया? तेरी मैं भी कमाल करता हूँ, सॉरी 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 जी। ओ प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ओ मैं भूल गया जी, ओ आप भी अंदर जाओ, मैं भी अंदर जाता हूँ। चंगा। वैसे जेठालाल, सूरज देवता को जल अर्पण करते वक्त जरा नीचे भी देखना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, किसने बोला ये सब? सूरज देवता को जल अर्पण करते हुए सूरज देवता को ही देखना चाहिए, पुराणों में भी लिखा है। हाँ, कौन तुमको बताया सब गलत गलत, कौन बताता है? अरे मेरा मतलब है कि तुमने अभी जल अर्पण किया ना, तो पानी मुझ पर उड़ा, इसलिए बोल रहा हूँ। तो क्या फेंक रहा है बीड़े? मैं जल इधर अर्पण कर रहा हूँ, तुम उधर खड़े हो, तुमको यहाँ से कहाँ पानी उड़ेगा? जेठालाल मैं पहले वहीं पे खड़ा था, पानी उड़ा इसलिए यहाँ पे आ गया। तो ठीक है, पानी है ना भाई, सूख जाएगा। भैया भाई, आप भी जरा नीचे देखिए। क्यों? पैर हटाइए पाइप से। सॉरी। क्या भीड़े, पाइप के ऊपर खड़ा हो जाता है तू? अरे क्या कर रहा है तू? सॉरी सॉरी सॉरी। अरे जेठालाल पानी है, सूख जाएगा। अरे चलो चलो जल्दी नीचे आओ, पूजा में आना है ना। स्वच्छता अभियान इतना जोरों से चल रहा है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है अभी तक। कभी सुधरने लोग का कोना ठोक। जेठालाल, अरे गुड मॉर्निंग भिड़े। अरे क्या कर रहे हो जेठालाल? बस सूरज दादा को जल अर्पण कर रहा हूँ। लेकिन वो जल मेरे सर पे अर्पण हो गया। कहते हाँ ये देखो। चलो अच्छा हुआ, आज सूरत दादा और चंदा मामा दोनों को एक साथ जल अर्पण हो गया। आइते सूरत दादा तिकड़े आनी, चंदा मामा इकड़े। जेठालाल तुम्हें मजाक सूझ रहा है? सॉरी सॉरी भाई सॉरी, लेकिन तू भी कमाल है भाई, इतना बड़ा कंपाउंड है फिर भी मेरी बालकनी के नीचे से ऐसे दीवार को लग लग के यहाँ से क्यों जाना है तुझे? वहां से नहीं जा सकता था? जेठालाल मुझे कोई शौक नहीं वहां से ऐसे ऐसे जाने का, मैं तो यहीं से जा रहा था, लेकिन वहां पे मैंने कचरा पड़ा हुआ देखा, इसलिए मैं वहां पे कचरा उठाने के लिए गया था। तो कचरा उठाने से पहले एक बार ऊपर देखना चाहिए ना कि भाई ऊपर से क्या कि तुम बालकनी में खड़े रह के जल अर्पण कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हाँ। अरे क्या हाँ, तुम नीचे नहीं देख सकते थे कि नीचे कोई खड़ा है कि नहीं खड़ा है? अच्छा सॉरी भाई, अभी क्या करना क्या है बोल? अभी क्या कर सकते हैं भाई, कुछ नहीं, आइंदा ध्यान रखना। ठीक है, अभी आइंदा से मतलब कल से मैं जल अर्पण करने बालकनी में आऊंगा, तो पहले देखूंगा कि भाई कोई नीचे है कि नहीं। फिर मैं तुझे फोन करूंगा कि भाई भीड़े मैं सूरज दादा को जल अर्पण कर रहा हूँ, तो मेहरबानी करके घर से बाहर निकलना मत। और फिर जब भी मैं जल अर्पण कर लूंगा उसके बाद दोबारा फोन करूंगा कि भाई भीड़े मैंने जल अर्पण कर लिया है, अभी तुम आजाद हो, घर के बाहर जहाँ मर्जी जा सकते हो। चलेल जेठालाल कठिन है बाबा कठिन है। एक मिनट। वाह वाह स्वच्छता अभियान। ओम मित्राय नमो, रवये नमो, सूर्याय नमो, भानवे नमो, खगाय नमो, पूषणे नमो, हिरण गर्भाय नमो, मरीचय नमो, आदित्याय नमो, ओम सवित्र नमो, वर्काय नमो, भास्कराय नमो। आजकल बबीता जी बालकनी में दिखाई नहीं देते, वरना पहले तो फोन पे बात करते करते साइकिल चलाते चलाते कई बार बालकनी में दिख जाते थे। अचानक क्या हो गया?
जांच करनी पड़ेगी। साइकिल तो है। यार भाई कल रात को घर वापस आए होंगे कि नहीं? क्या चक्कर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज दुकान जाते वक्त अय्यर भाई मिले तो अय्यर भाई को या फिर बबीता जी को पूछ ही लूंगा कि मुजरा क्या है, मजरा क्या है। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, सूर्याय नमः, भानवे नमः, खगाय नमः, पूष्णे नमः, ओम हिरणगर्भाय नमः, मरीचय नमः, आदित्य नमः, सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, भास्कराय नमः, आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसिद्ध नमः, भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। डिडलाल हाँ, अरे यहाँ यहाँ नीचे, अरे निगाह नीचे करो, यहाँ खड़े हम। अरे मेहता साहब, सुबह सुबह मेरी बालकनी के नीचे क्या कर रहे हैं आप? अरे भाई जेठालाल, तुम सूर्य देवता को जल अर्पण कर रहे थे तो मुझे लगा कि भाई मेरा पौधा वहाँ है, उसे मैं तुम्हारे जल की धार के नीचे ले आऊं तो उसे भी जल मिल जाएगा, एक पन दो काज। क्योंकि जल ही जीवन है, जल ही प्राण है, जल ही शक्ति है, जल से ही भोजन है। आहा, आहा। जल है तो चेहरे पे मुस्कान है। क्या बात है, जल से ही बाहर गुलशन है। बिल्कुल, क्योंकि बिना जल अकाल है, बिना जल जीवन बेहाल है, जल से ही जीवन का सुर है, जल से ही ताल है, जल से ही प्रकृति है, जल से ही गर्मी में ठंडी अनुभूति है, जल से ही खुशहाली है, जल से ही किसान की लाइफ मतवाली है, जल से ही जंगल है, जल से ही मंगल है, जल है वहाँ सदा शिव है, जल है वहाँ सदा जीव भी है, जल है तो प्रेम है, जल है तो सोडा है, और सोडा है तो सोडा पार्टी भी है। वाह मेहता साहब, वाह मजे आ गया, सुबह सुबह आपने तो चारों तरफ जला जल 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 कर दिया। अरे हाँ भाई जेठालाल, ये तो बहुत जरूरी है, जल की ये कीमत सबको समझनी चाहिए। पैसों के बिना आदमी जिंदगी जी सकता है, लेकिन जल के बिना असंभव है, एक क्षण नहीं जी सकता। जल की एक बूंद की कीमत उनसे पूछो जेठालाल, जहाँ अकाल है, सूखा है, महिलाओं को मीलों पैदल चलना पड़ता है एक घड़े पानी के लिए। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे मेहता साहब, इसलिए हमें पानी की बचत पैसों की तरह करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो जेठालाल। आप एक काम करना, आप रोज सुबह अपना गमला यहाँ नीचे ला के रख देना। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तुमने, एक पन दो काज हो जाएंगे। चलो चलता हूँ। अरे मेहता साहब, फिर क्या कुछ पता चला? किस बारे में? वो अय्यर भाई रात को कहाँ गए थे? जेठालाल यार, तुम अभी तक अय्यर का टेंशन लेके खड़े हो। क्या करूं मेहता साहब, हम लोग गोकुलधाम वासी है ना, दूसरों का टेंशन हम अपना टेंशन समझते हैं ना। अच्छा, दूसरों का टेंशन अपना टेंशन, अय्यर का टेंशन तुम्हें नजर आ रहा है, लेकिन मेरा टेंशन तो तुमने आज तक दूर करने की कोशिश नहीं की। मेरा टेंशन तो तुम्हें कभी नजर नहीं आया। आपका कौन सा टेंशन? मुझे अंजलि, अंजलि भाभी। अरे यार जेठालाल, अंजलि भाभी नहीं, वो अंजलि का डाइट फूड। कितना बड़ा टेंशन है तुम्हें मालूम है जेठालाल? वो डाइट फूड सामने आता है ना तो हालत खराब हो जाती है, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। कैसे खाया कोई आदमी, मुझे रोज खाना पड़ता है, लेकिन ये टेंशन तुम्हें नहीं दिखता। भाई तुम जल अर्पण कर रहे थे तो मैंने अपना पौधा लाके तुम्हारे जल के नीचे रख दिया, तुम्हें तो ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि तुम अपना मुंह लेके मेरे डाइट फूड के सामने आओ, उसे खाओ और मेरा टेंशन कम करो। मेरा टेंशन तुम्हें नजर नहीं आएगा। मेहता साहब, अंजलि भाभी जो कुछ करते हैं आपके भले के लिए करते हैं ना। अच्छा हाँ, बाकी उनका क्या स्वार्थ है इसमें? ऐसा थोड़ी है कि डाइट खाना ऐसा फटाफट 5 मिनट में बन जाता है, उल्टा डाइट खाना बनाने में तो कितनी मगजमारी करनी पड़ती है, नहीं अंजलि भाभी? जेठालाल के बिल्कुल सही कहा जेठा भाई आपने, आप समझते हैं कि मैं इनके भले के लिए कर रही हूँ, पर जिनके भले के लिए मैं करती हूँ उनको तो मेरी कदर ही नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हर आदमी को ये लगता है कि वो जो कह रहा है वही ठीक है, लेकिन अब क्या कहें, आज के जमाने की, आज के जमाने में दोस्ती का ही कोई भरोसा नहीं है तो अब डाइट फूड के बारे में तो क्या चर्चा करें। अरे ताना मार रहे? अरे मेहता साहब, जहाँ दोस्ती होती है वही तो ऐसी मजाक मस्ती हो सकती है ना। हाँ क्यों नहीं, दोस्ती में ऐसा मजाक होता है जेठल, आने दो मौका, मेरी भी बारी आएगी फिर मैं करता हूँ मजाक। अच्छा जी जेठा भाई, आप बिल्कुल मत डरना,
आज आपने मेरी तरफदारी की है ना, तो उसके बदले में आपको इनाम मिलेगा। जब भी तारक आपसे मजाक करे ना, आप सीधा मुझे आके बता दीजिएगा। मैं इनको 3 दिन तक करेले का जूस पिलाऊंगी रोज। इससे इनकी सेहत का भी ध्यान रख लेंगे और अपना बदला भी ले लेंगे। अरे जेठल, मैं मजाक कर रहा हूँ भाई, कोई मजाक नहीं करूंगा तुम्हारे साथ। देखा मेहता साहब, हर पत्नी के पास अपने पति का रिमोट कंट्रोल होता है। बिल्कुल। और उनको भली भांति पता होता है कौन सा बटन दबाने से पति की होशियारी ऐसे पहुंच हो जाती है। Of course. आप सभी को हैप्पी मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, लवली मॉर्निंग, ब्यूटीफुल मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सबको सुप्रभातम। सुप्रभातम। सुप्रदाडम। कहते सुप्र गए तुम्हें बोले ना सुप्रभातम, तो मैंने बोला सुप्रदाडम, सुप्रशाकम, सुप्रकचुम्बरम, सुप्रपापड़म। वाह वाह जेठालाल, वाह जेठालाल हो या 2020 का कोई बैट्समैन हो, कोई भी बॉलर ने तो छक्का चौका मारना ही है। करेक्ट है।